सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ट्रिपल आईटी दिल्ली। इसमें आपको सारे बताऊंगा कि आगे कोर्स रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, फी पेमेंट का थोड़ा बहुत बताऊंगा, साथ में ओरिएंटेशन का सारे शेड्यूल बताने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखो और कुछ भी पार्टिसिपेट मत करना, 2x पे देखना, 2x पे देख लो, बाकी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता ही दूंगा। सो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, माय नेम सेवा, सेकंड ईयर आईटी स्टूडेंट, डेल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, DTU। तो सबसे पहली बात, आपको फी पे करना है। डायरेक्टली आ जाते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले आपको फी पे करनी है। फी पेमेंट आपको कब करनी है, कैसे करनी है वो बता देता हूँ। 29 अगस्त से इनके पोर्टल शुरू हो चुका है। कितनी फी पे करनी है आपको, फर्स्ट 1,42,000 रुपीज पे करने हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, फर्स्ट ईयर के नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। और मैंने ये सारी चीज़ों के बारे में ना एक छोटी सी वीडियो और बनाई है, वो ये वाली वीडियो है, इस पर जाके देख लो। पहले ये वाली वीडियो देख लो, इसमें मैंने एक बारी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है, साथ में आपकी जो फर्स्ट ईयर है और इन जैसे सारी कॉलेज लाइफ के लिए एक छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट में इसी वीडियो में बताया हुआ है। तो जाके जरूर देखो, अपने फर्स्ट ईयर में जाने से पहले कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, वो मेरे को बताना जरूरी है, वो मैंने उसमें बताया हुआ है, बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए एक बार कह रहा हूँ, वो जाके एक बार चेक कर लेना, फिर इधर डायरेक्टली शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये आपको फी पे करनी है। 29 अगस्त से शुरू हो चुका है पोर्टल, 5 अगस्त के 4 PM तक ही रहेगा। तो 5 अगस्त 4 PM से पहले पहले आपको सारी पेमेंट करनी है। अब ये कहाँ करनी है, इसके लिए मैंने एक PDF लिंक दे रहा हूँ। इस PDF में जैसे जाओगे, नहीं तो डायरेक्टली वो जो फी पेमेंट लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहीं पर जैसे ही क्लिक करोगे फी पेमेंट वाला लिंक खुल जाएगा, वहीं पर आप फीस पे कर देना 5 अगस्त 4 PM से पहले पहले, ठीक है। सो अगर आपको जानना है फी पेमेंट आपको इन डिटेल कैसे करनी है, उसके लिए मैंने एक PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आपको PDF खुल जाएगी, वहाँ पर आपको इन डिटेल सारा बताया हुआ है, कैसे आपको पहले क्या क्लिक करना है, फिर कैसे क्लिक करना है, फिर आपको क्या भरना है, फिर सबमिट करना, तो आपकी फी पे हो जाएगी। बट मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल नंबर वगैरह डालना है, फिर उसके बाद आपको BTech एडमिशन रिमेनिंग फी 2024 क्लिक करना है, वो चीज़ क्लिक करोगे तो आपको फिर जैक दिल्ली का एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर आपको वो फी पे कर देनी है, सबमिट हो जाएगा, फी पे हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको IIIT दिल्ली के रोल नंबर मिलेंगे। रोल नंबर आपको इन्होंने कहा है 2 अगस्त तक उन्होंने वो दे देंगे, अभी नहीं पता कि एक बार चेक कर लो, मेल पे चेक कर लो, साथ में ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं पर चेक कर लो कि IIIT दिल्ली के रोल नंबर्स आ गए हैं या नहीं। आ गए तो बता दो, नहीं आए तो एक बार कमेंट्स में जरूर बता दो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए कि अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं। और साथ में अगर आ गए तो कहाँ मिले आपको, मेल पे या फिर वेबसाइट पे, वो भी मेंशन जरूर कर देना, बाकी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। सो वो सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जैसे आपको रोल नंबर मिलेगा, फिर अगर रोल नंबर नहीं भी मिला ना, एक दो दिन रुक जाओ, जरूर मिल जाएगा, टाइमली जरूर मिल जाएगा, इतना मैं श्योर कर सकता हूँ। सो जब रोल नंबर मिल जाए, फिर उसके बाद आपको गूगल फॉर्म भरना है। ये गूगल फॉर्म मेरा नहीं है, IIIT दिल्ली का ऑफिशियल गूगल फॉर्म है, इस बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, पर मेरा बताना है, मेरा फर्ज है बताना है सबको, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार ये जरूर कर लेना, क्योंकि फिर मिस हो गया फिर आप वहाँ पर भटकोगे, फिर परेशानी होगी। सो वो चीज़ अवॉइड करो। गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स ली जाएगी, फिर कहाँ रहते हो, क्या सारी चीज़ें, ब्लड ग्रुप वगैरह, तो वो बेसिकली आपके आईडी कार्ड बनाने के लिए, उसमें आईडी कार्ड में सारा मेंशन होता है, ब्लड ग्रुप क्या ये वगैरह, तो वो चीज़ बनाने के लिए ये आपकी डिटेल्स ली जाती है। और साथ में जो वो अपना ERP पोर्टल है उसमें अपडेट करेंगे, साथ में आपको जो ईमेल आईडी देंगे उसके लिए सारी चीज़ें ले रहे हैं, सो वो सारे आपको भरनी मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, आपको वो भरनी है, कोई ऑप्शनल नहीं है ये। तो आपको गूगल फॉर्म अपना भरना है, और इसमें साफ साफ लिखा है ये आईडी कार्ड वगैरह के लिए ही लिया जा रहा है, और आपको रिपोर्टिंग करनी है, और रिपोर्टिंग स्टूडेंट कमिंग फॉर द रिपोर्टिंग विल नॉट बी एंटरटेन इफ दे हैव नॉट फिल्ड आउट द गूगल फॉर्म। साफ मेंशन है गूगल फॉर्म भरना कंपलसरी है। और फिर उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसका मैं एक PDF में आपको सारा पता चल जाएगा कि आपको किस बिल्डिंग में जाना है। जैसे 4 अगस्त को दिल्ली कोटा वाले जो जनरल और EWS है उनको जाना है 10 बजे C102 LSC बिल्डिंग में। ये वेन्यू तो हर जगह से हर बारी सेम है हर एक स्टूडेंट के लिए, ये C102 जो आपकी LSC बिल्डिंग है वहीं पर जाना है, पर किसको कितने बजे जाना है, किस दिन जाना है, वो एक बार इसी PDF में चेक कर लेना अपने कोटा और अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स पे। ये आपको जब मैंने अभी बताया ना जो जाना है, ये फिजिकल रिपोर्टिंग का है, ये आपके कोर्स रजिस्ट्रेशन का है, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इसमें, वो ये है सबसे पहले तो कि आपको जो गूगल फॉर्म भरना है वो आपको सबसे पहले भरना है, फिर उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है जो कि आपको जैक दली की तरफ से मिला है, और ये सारी चीज़ कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ना उस गूगल फॉर्म में भी भरने को कहेंगे,
अपलोड करने को कहेंगे ऑनलाइन, तो वो भी आपको करना है। अब साथ में आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। ये मेरे ख्याल से सेम सी बात हो गई, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर और अपडेटेड सीट अलॉटमेंट लेटर फर्क नहीं होता, एक ही चीज़ ले जाओ। और साथ में आपको बैलेंस फी की जो रिसिप्ट है, जैसे मैंने बताया आपने फी पेमेंट करने के बाद फी रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, वो आपको लेके जानी है। साथ में जो आपने 95K पहले सबमिट करे थे ना फी पे, उसकी फी रिसिप्ट भी ले जाना है, यहाँ लिखा नहीं है बट ले जरूर जाना। साथ में आपको फिर गूगल फॉर्म का लिख दिया यार, सबमिशन ऑफ गूगल फॉर्म, बार बार चीज़ लिख रहे हैं, बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, आप भी बोर हो जाओगे। फिर आपको मास्टर अंडरटेकिंग फॉर्म ले जाना है, ऑनर कोड फॉर्म ले जाना है, अंडरटेकिंग एंड AHSC और ICC वाला ले जाना है, IT इन, ये सारे जो फॉर्म्स है ना, इसमें मैं आपको ब्रीफ में बता दूँ होता क्या, ये आपको फॉर्म के फॉर्मेट दे देंगे, जैसे मेरे को फॉर्मेट मिलेगा या फिर कहाँ फॉर्मेट होते हैं वो आपको बता दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आप डायरेक्टली क्लिक करके फॉर्मेट ले सकते हो। वो फॉर्मेट लेना है आपको, बस प्रिंट कराना है, अपना डिटेल्स भरनी है, साइन करना है, आपका हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, इतना परेशान मत होना इस चीज़ में। अब IT इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज पॉलिसी भरनी है, अंडरटेकिंग वेलबीन भरना है, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग भरनी है, जो कि यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप अंडरटेकिंग ले सकते हो। इतनी सारी चीज़ें भरनी है, ये सारी चीज़ें रख लेना, भर के ले जाना। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ एक बार लिस्ट बना लो और चेक कर देना, जैसे जैसे आप चीज़ें रख लो, और अभी से चीज़ें रखना शुरू कर दो, टाइम कम है। सुबह बार बोल रहा दोबारा बोल देता हूँ, आपको अपनी फी रिसिप्ट लेके जानी है, गूगल फॉर्म भरना है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ले जाना है, मास्टर अंडरटेकिंग फॉर्म ले जानी है, ऑनर कोड फॉर्म लेके जाना है, अंडरटेकिंग ASHC और ICC लेके जाना है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज पॉलिसी लेके जानी है, अंडरटेकिंग वेलबिंग लेके जाना है, एंटी रैकिंग अंडरटेकिंग लेके जाना है। ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट का अलग और पेरेंट्स का अलग होगा, एक बार चेक जरूर कर लेना। और हॉस्टल अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स लेके जाना है, अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो। हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म लेके जाना है, जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर हॉस्टल पे जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म आएगा, वो आपको लेके जाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा लेना और वो फिल करके जाना है। क्योंकि इसमें ऑफलाइन हॉस्टल मिलते हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं होता है, तो वो करना है। साथ में BTEC एनरोलमेंट फॉर्म लेके जाना है और एप्लीकेबल फाइन लिस्ट फॉर्म लेके जाना है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, खुद मेरे को इतनी कन्फ्यूजन हो गई पढ़ के, तो चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, सारी चीज़ों के लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, इतना परेशान होने वाली बात है नहीं। अब अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपको या तो आउटसाइड दिल्ली वाला होना चाहिए, या फिर आपको 30 किलोमीटर रेडियस से ज़्यादा का होना चाहिए आपका घर से, IIT दिल्ली का डिस्टेंस, ठीक है। सो ये है, और फिर आपको 12th अगस्त से आपकी हॉस्टल फ़ी लग जाएगी। हॉस्टल फ़ी क्या स्ट्रक्चर है, कितनी सिक्योरिटी फ्री होती है, कितना डबल रूम शेयरिंग फ़ी होती है, सारी चीज़ें इसी PDF में मिल जाएगी, जाके चेक के जरूर कर लेना। और वो आपको फ़ी पे कैसे करनी है उसका लिंक भी इसी में गिवन है, ठीक है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो आपको IIIT दिल्ली कलेक्शन पेवल एट दिल्ली पे अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, तो वो एक बार चेक जरूर कर लेना और उसी के अकॉर्डिंग चल। अभी आपका जब हो जाएगा, देखो अभी इसमें मेरे को यहाँ पर कहीं पर भी वो नहीं मिला कि ये जो इतने सारे अंडरटेकिंग और सारे फॉर्म हैं उसके फॉर्मेट कहाँ हैं। एक बार जैसे ही मुझे मिलेगा, या तो मैं वीडियो बना दूँगा, वीडियो नहीं बनाऊँगा मोस्ट प्रॉब्ली, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो एक बार चेक जरूर कर लेना वो चीज़। अगर आपको कहीं और से वेबसाइट पर मिल जाए, वेबसाइट पर भी देख लेना, एक बार वेबसाइट पर भी हो सकता है कहीं ना कहीं मिल जाए, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जब कर लोगे, बस आपको ये फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और कुछ नहीं, और इतना परेशान मत हो अगर नई भी चीज़ मिल रही ना। अब जब रिपोर्टिंग करने जाओगे वो ऑलरेडी बता देंगे ये ऐसे है, बस आपको प्रिंट करना है, वहाँ पर उसी समय फिल करके दे दोगे तब भी कोई परेशानी नहीं है। अभी से इतना टेंशन होके मत चलना, ठीक है। अब आपको ओरिएंटेशन लेना, ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका जो मैं देख रहा हूँ, अभी तक बोरिंग चीज़ें चल रही थी वीडियो में, मैं खुद बोर हो गया, बट चलो अब काम की बात आ रहे हैं। सो 5th को आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, फिर आपको 6th से 10th तक आपका ओरिएंटेशन चलेगा, ओरिएंटेशन कम इंडक्शन प्रोग्राम होता है। और ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई थी कि इंटरनल सोर्सेज है, 5th से 10th तक ही सारी चीज़ें होगी, और ये सच में 5th से 10th ही हो रहा है, यानी रिलायबल सोर्सेज है, और इसलिए सब्सक्राइब करना बनता है आपको, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली तो सही, बिफोर टाइम भी मैं दे दूंगा। सो यहाँ पर आपको 5 डे का इंडक्शन प्रोग्राम है, वो आपको डे वाइज बताऊँगा, और फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी 12th अगस्त से, वो आपको करना है। अकेडमिक कैलेंडर आपका आ चुका है, वो जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये आपका मॉनसून सेमेस्टर होता है, फिर आपका नेक्स्ट समर सेमेस्टर होगा, मेरे ख्याल से पहले विंटर सेमेस्टर भी होगा, तो एक बार वो सारी चीज़ें देख लेना, पर अभी के लिए मॉनसून सेमेस्टर चल रहा है, तो उसका आपको दे दिया मैंने
लिंक, वो जाके आप चेकआउट कर लेना, आपका आई कार्ड वगैरह बन जाएगा जब आपकी पेमेंट हो जाएगी और ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको रोल नंबर, वो सर रोल नंबर तो पहले मिल गया, आपको आईडी कार्ड वगैरह और अपना ईआरपी अकाउंट और ये जो ईमेल आईडी है वो सारी बाद में मिल जाएगी। अब डायरेक्टली आ जाते हैं जिसके लिए वेट कर रहे हैं सब, काफ़ी स्टूडेंट्स को वेट कर ही रहे होंगे ओरिएंटेशन के लिए। ओरिएंटेशन देखो, सबसे पहले दिन मोस्टली क्या होगा, पहले वेलकम नोट होगा, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग के दिन में ना, आधा दिन जिसे कहते हैं 4-5 बजे तक आपकी ये सारी चीज़ें चलेगी। जैसे डीन आ रहा है, कभी कोई स्पीकर, इन्होंने बहुत सारे स्पीकर बुलाए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आ रहे हैं, बहुत सारे रिनाउंड पर्सन है वो आ रहे हैं, तो वो अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, किसी किसी दिन किसी किसी टाइम जाना चाहो वो आप जा सकते हो, ठीक है। और ये जो मेन चीज़ है ना, वो आपकी शुरू हो रही है 7-8 बजे, जैसे Day 1 पे जो कि आपका 6 अगस्त है, उसमें मैं देख पा रहा हूँ इंडक्शन मूवी एंड एस्कॉर्टिक नाइट है 7 बजे से 9 बजे तक। मैंने नहीं देखा था इंडक्शन प्रोग्राम 9-9 बजे तक चलते हैं, मैं पहली बार को देख रहा हूँ IIIT का ये शेड्यूल। सो 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक आपका इंडक्शन मूवी एंड एस्कॉर्टिक नाइट है, तो एक बार जरूर देख लेना, वो कुछ फन एक्टिविटी लग रही है। 7 अगस्त को भी सेम सारी चीज़ें, पहले दिन में तो सारी ये सारी लेक्चर वगैरह होंगे, इंट्रोडक्शन टू प्लेसमेंट, प्लेसमेंट वाली चीज़ आ गई, काम की हो सकती है, बट अभी कुछ काम की नहीं। ब्रेकिंग द आइस, DAC एंड प्लेजरिज्म, ये सारी चीज़ें जो कि एक कॉलेज को करना जरूरी होता है, सो वो सारी चीज़ें आपकी इच्छा है, करना चाहो अटेंड करना चाहो, नहीं करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर शाम को होगा 5 से 6 बजे सेशन विद न्यू बैच, जो कि आप अटेंड कर सकते हो। साथ में होगा देसी अड्डा 6 से 9 बजे तक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक बार ये जरूर चले जाना यार, फन एक्टिविटी होगी मोस्ट प्रॉब्ली, बाकी सारे सीनियर्स होंगे, ये सारी चीज़ें होगी। देखो अभी तो ये सब पढ़ के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है मेरी भी, कि कितना तगड़ा ओरिएंटेशन हो रहा है, सो पर एक बार रियलिटी तो जाके पता ही चलेगी। फिर आपकी Day 4 पे बैच फोटोग्राफ सेशन विद ऑन एकेडमिक ऑफिस वगैरह, ये सारी चीज़ें होगी, और सेशन विद पेरेंट्स भी है, सो अगर उनको बुलाना चाहो वो बुला सकते हो। साथ में फिर आपके शाम को 5 से 6 बजे गेमिंग जोन होगा, 6:30 बजे से 9:30 बजे तक मूवी नाइट होगी, मूवी नाइट हो रही है भाई साहब, चले जाओ चले जाओ, कर लो अटेंड, फायदे में रहोगे। फिर आपका Day 5 जो कि सॉरी, हाँ ये Day 5 है, सो इसमें योगा वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें है। फिर आपका 4:30 से 6 बजे तक गेमिंग सेशन होंगे, मजे ही मजे, 4:30 से 6 बजे तक और भी कुछ हो रहा है जैसे वर्कशॉप्स वगैरह हो रही हैं। फिर 6 से 7 बजे तक कॉमेडियन नाइट होगी, फेस्ट चल रहा है भाई तुम्हारा, ये जाओ एंजॉय करो। 7 से 9 बजे तक टैलेंट नाइट है, फिर उसके बाद 11 बजे से रात के 1 बजे तक कैंपस इन्वेस्टमेंट है, ग्रेट, रात के 1-1 बजे तक चीज़ें चल रही है, जाके एक बार चेक करना पड़ेगा भाई ये है क्या, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई होती जा रही है, अब मुझे लग नहीं रहा इतना रियलिटी करेंगे, बट फिर भी देख लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जो लास्ट डे है उसमें रात, ये शाम के सॉरी हाँ 7 से 9 बजे तक नियॉन नाइट विद DJ वगैरह होगी, सो DJ वगैरह है, ये सारी चीज़ें मजे करो। और यार जो एक दिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे स्पीकर आ रहे हैं, बहुत सारे रिनाउंड है, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टर है और बहुत सारे फाउंडर वगैरह है, प्रोफेसर है, ये सारी चीज़ें हैं, बट एक रिनाउंड पर्सन जो आप जानते होंगे, काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे इनको और आप इनसे पढ़े भी होंगे, आप चाहते भी होंगे मिलना कभी, सो नाउ इज़ द चांस टू मीट वन एंड दी ओनली नेहा अग्रवाल मैम। नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड यूट्यूब चैनल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये आ रही है आपके इंडक्शन और कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, सो इनसे एक बार टॉक शो वगैरह होगा या फिर ये अपना सेशन करेंगे, सो उसमें जरूर जाना है, काफ़ी स्टूडेंट इनको जानते होंगे, इनसे पढ़े होंगे, सो आपको मौका मिल रहा है मिलने का, सो एक बार जाओ जरूर। ये जरूर देख लेना किस दिन आ रही है और किस टाइम पे आ रही है, आई गेस सुबह 12-1 बजे के आसपास ये आएंगे, तो एक बार वो जरूर चेकआउट करना वहाँ पर जाके, और वहाँ पर वो चीज़ अटेंड करने वाली बनती है, क्योंकि आप किसी क्रिएटर या किसी टीचर को जानते हो जिनसे आप ऑनलाइन मिले थे या फिर ऐसे फिजिकली क्लासरूम में नहीं मिले, तो आपको अगर मीटअप करने का ऑप्शन मिल रहा है,
सो आपको बिल्कुल करना चाहिए। फिर वो मेरे ख्याल से इनको तो काफ़ी IIIT में, IITs में, NITs में, इन सब में बुलाया जाता है, और फिर उसके बाद वो काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी करती है, फोटो खिंचवाती है और ये सारी चीज़ें बातें बातें करती है। तो एक बार ये ज़रूर जाना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है। बाकी की नोट स्पीकर्स में आप जाओ ना जाओ वो आपकी इच्छा है, बट ये मेरा रिकमेंडेशन है कि इनके जो सेशन है उसमें जरूर जाना, और बाकी को फाउंडर्स वगैरह आ रहे हैं गूंज के, भारत XR के, उनमें भी जाना चाहो, इंसाइटफुल चीज़ें होगी, कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल जा सकते हो। नहीं तो रात की चीज़ें जो है ना, देसी अड्डा, मूवी नाइट, DJ नाइट, उनमें जरूर जाना, देखते हैं कितनी सच्चाई है, क्या सारी चीज़ें IIIT वालों के मजे है या फिर ये सिर्फ बहलाने और मतलब डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें जो कि सच नहीं होने वाली, बस झूठा दिलासा देने के लिए। तो एक बार जाके ही पता चलेगा। सो ये सारी चीज़ें थी, आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी। जो स्टार्टिंग वाली पार्ट थी उसको दोबारा देख लो, डॉक्यूमेंट्स रख लेना, टाइम से पहुंच जाना, जो भी लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी मेरे पास वो सारे अंडरटेकिंग के लिंक्स नहीं है, पर जैसे ही मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में ही ऐड कर दूंगा। तो एक बार वापस इसमें देखते रहना कि ऐड ना हुआ या फिर वेबसाइट पर चेक करते रहना। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सो कुछ अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, बाकी IIIT वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना। और ये देखो, इस कोर्स रजिस्ट्रेशन पे, ओरिएंटेशन पे, इन सारी चीज़ों पे कोई वीडियो नहीं बनाएगा, यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको नहीं देख रही होगी, सिर्फ मैं बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो, आपकी गाइड हो, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट्स हो। काफ़ी स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, काफ़ी लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ आपको टाइमली मैं चीज़ बताऊँ, और जो आपको परेशानी ना हो बाद में वो चीज़ मैं आपको बता सकूँ। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाती है, बिफोर टाइम भी मिल जाती है, इंडक्शन प्रोग्राम का मैंने पहले ही बता दिया था। सो वो सारी बातें हैं, और सब्सक्राइब कर लो, बाकी IIIT वालों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो। सो कुछ भी डाउट हो मेरे से यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM करके पूछ सकते हो। सो ये सारी बातें थे, टिल देन बी सेफ प्रिपेयरिंग, एंड सी यू। किसी दिन आऊँगा IIIT दिल्ली तो मिलते हैं, मीटअप करेंगे।